हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एस जी गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब लोग सीखने वाले हैं एक्सेल। एक्सेल में डेट ऑफ बर्थ का फार्मूला कैसे यूज किया जाता है, उसमें हम चेक करने वाले हैं मंथ, ईयर, डेट, डे। तो आइए देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का फार्मूला कैसे निकाला जाता है और हम ईयर कैसे चेक करेंगे, मंथ कैसे चेक करेंगे, डेट कैसे चेक करेंगे और डे कैसे चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने फॉर्मेट में लिख दिया है डेट ऑफ बर्थ फार्मूला, उसके बाद मैं यहाँ पे सेल में लिखने वाली हूँ डेट ऑफ बर्थ। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी डेट ऑफ बर्थ लिखना या फिर कुछ भी लिखना टाइमिंग या डेट एक्सेल में, तो सिस्टम का टाइमिंग एंड डेट देख लेना कि यहाँ का सिस्टम और टाइमिंग कैसा है। आप देख सकते हैं अभी हम दिखा रहे हैं, इसमें का जो है यहाँ पे जो पहले दिया है मंथ दिया है, फिर डेट दिया है, फिर ईयर दिया है, कुछ इस तरीके से दिया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम दिखा दे रहे हैं, इस तरीके से हमको टाइप भी करना पड़ेगा। तो हम पहले मंथ टाइप करने जा रहे हैं, उसके बाद में फिर पहले हम मंथ टाइप करने जा रहे हैं, उसके बाद डेट, उसके बाद जो है ईयर। ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है और हम यहाँ निकालने वाले हैं सबसे पहले ईयर, उसके बाद मंथ, डे, उसके बाद डेट। सॉरी, पहले डेट, डेट रहेगा, फिर डे रहेगा। डे कर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो हम ईयर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम इक्वल लगाएंगे। एक्सेल में फार्मूला जो है हमारा इक्वल से स्टार्ट होता है, इक्वल लगाएंगे, डेटेड इफ़ लिखेंगे, ब्रेकेट लगाएंगे, शिफ्ट के साथ हम ब्रेकेट दबाएंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे माउस की मदद से, उसके बाद कामा लगाएंगे, टुडे लिखेंगे। टुडे इसलिए लिखते हैं ताकि अभी हम प्रेजेंट तक का निकालते हैं। ओपन और क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, कामा लगाएंगे, डबल इनवर्टेड कामा में जो है हम वाई लिखेंगे। हालांकि हम ईयर निकाल रहे हैं इसीलिए हम जो है वाई लिख रहे हैं, डबल ब्रैकेट क्लोज करके हम इंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ ईयर में 22 दिखा रहा है, 22 दिखा रहा है, यानी 22 साल हो गया। अब हम मंथ चेक करेंगे कि कितना मंथ हुआ, अगर 22 साल हुआ हो गया है तो मंथ भी तो कुछ हुआ होगा। तो इक्वल लगाएंगे, डेटेड इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ फिर से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहो तो ईयर को भी सिलेक्ट कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ को भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ईयर में ही हमारा जो है मंथ आता है। यहाँ पे मैं जो है एक बार ईयर सेलेक्ट करके बता दे रही हूँ, एक बार मंथ सेलेक्ट करके हम बता देंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर टुडे लिखेंगे, ओपन और क्लोज ब्रेकेट लगाएंगे, कामा, डबल इनवर्टेड कामा में वाई एम लिखेंगे, क्योंकि ईयर में ही हमारा मंथ आता है, ब्रेकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं 22 साल 11 मंथ है। अब हम ये चेक करेंगे कितना दिन हुआ, तो इक्वल लगाएंगे, डेटेड इफ लिखेंगे, ब्रेकेट लगाएंगे। अब चाहे मैं मंथ सेलेक्ट करूं या फिर पूरा डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करूं, अगर मैं मंथ सेलेक्ट कर रही हूं तो मंथ में ही हमारा डेट आता है, यानी 1 2 3 4 5 ये आता है। तो यहां पे मैं सेलेक्ट करने वाली हूं मंथ, अभी मैं आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके अलग से दिखा दूँगी। उसके बाद में कामा लगाएंगे, टुडे लिखेंगे, ओपन और क्लोज ब्रेकेट, कामा, डबल इनवर्टेड कामा में एम डी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मंथ में ही हमारा डेट आता है, डबल इनवर्टेड कामा क्लोज ब्रेकेट क्लोज। आप देख सकते हैं 22 साल 11 मंथ 4 दिन हुआ। अब हम ये चेक करने वाले हैं कौन सा डे था, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे क्या था। तो इक्वल लगाएंगे, इस बार मैं टेक्स्ट लिखने वाली हूँ, टेक्स्ट लिखेंगे, ब्रेकेट लगाएंगे, डेट ऑफ बर्थ को इस बार हम पूरे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जो है हम कामा लगा के डबल इनवर्टेड कामा में 4 बार डी लिखेंगे। 4 बार डी लिखने का मतलब ये होता है कि हमारा चौथे स्टेप पे हमारा डे आता है, इसलिए हम 4 बार डी लिखेंगे, डबल इनवर्टेड कामा क्लोज ब्रेकेट क्लोज,
इंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं ये मंडे था, यानी कि हमारा जो है अगस्त में 7 जो था वो मंडे था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक एक फार्मूला जो है आपको दिखा दे रही हूँ जूम करके, क्या क्या यूज किया गया है। आप देख सकते हैं ये यूज किया गया है ईयर के लिए, उसके बाद में दूसरा यूज किया गया है मंथ के लिए, आप उसके बाद में डेट के लिए ये यूज किया गया है, और डे के लिए ये यूज किया गया है। इन तीनों में जो है वाई और वाई एम और एम डी का डिफरेंट है। इसमें जो है वाई लिखा हुआ है, सेकंड में वाई एम लिखा है, फोर्थ में जो थर्ड में हमारा एम डी लिखा हुआ, बस यही चीज़ का डिफरेंट है। लास्ट वाला थोड़ा डिफरेंटेड है, बाकी की सारी चीज़ें वैसे ही हैं। अब मैं इस बार चेक कर दे रही हूँ डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके। तो आइए देखते हैं डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके हम दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे हम फिर से इक्वल लिखेंगे, डेटेड इफ लिखेंगे, ब्रेकेट लगाएंगे, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पूरे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके कामा लगा के टुडे लिखेंगे, डबल ब्रेकेट लगाएंगे ओपन और क्लोज, डबल इनवर्टेड कामा में वाई लिखेंगे, इनवर्टेड कामा क्लोज, ब्रेकेट क्लोज, इंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं 22 साल दिखा रहा है तब भी। फिर से हमें मंथ चेक करना है, फिर डेटेड इफ लिखेंगे, ब्रेकेट लगाएंगे, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे हम फिर से कामा, टुडे लिखेंगे ओपन और क्लोज ब्रेकेट कामा, फिर डबल इनवर्टेड कामा में लिखेंगे हम वाई एम, क्योंकि मंथ में ही हमारा सॉरी ईयर में ही हमारा मंथ आता है। उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे जो है, सॉरी कंट्रोल जेड कर देंगे, यहाँ पे मैं चेक करने वाली हूँ डे। तो सारी की सारी चीज़ें सेम की जाएंगी, आप सेम तरीके से इसको ऐसे कर सकते हैं। बस खाली सिलेक्ट क्या करना है कि जहाँ पे आपने ईयर सेलेक्ट किया था और डेट ऑफ बर्थ इसको सिलेक्ट किया था, वहाँ पे आपको डायरेक्टली ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे कि एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्या करना है यहाँ पे इक्वल लगाना है, डेटेड इफ़ लिख देना है, ब्रेकेट लगाना है, और डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, कामा लगाना है, टुडे लिखना है, ओपन और क्लोज ब्रेकेट लगाना है, कामा लगा के डबल इनवर्टेड कामा में वाई लिखना है, और डबल इनवर्टेड कामा में क्लोज कर देना। आप देख सकते हैं, और सेम चीज़ें सारे फार्मूले में यही रहेंगे। बस खाली क्या करना है कि हमें जहाँ पे वाई लिखा हुआ है वहाँ पे हमको वाई एम लिख देना है और एम डी लिख देना है, बाकी के सारे वैसे ही हमारा मंथ निकल जाएगा, ईयर निकल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।